हाय पिलामने ब्यूटी ऑफ नेचर कल्पना यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम माँ का विषय किसी जानवा। माँ अबला नुहे दुर्बला नुहे, से माँ कल्याणकारी। ए विषय आम जानवा जिते बमें शिशु पुत्र टी जन्म दे था ता पार्टी जेते बेले मुहपाणी टिके दो सेते बेले से अक्षर माने कौन बुझीबा कौन देले। प्रथम कौन देले स्वयं पार्टी माँ अक्षर लिखले स्वयं माँ। आज से माँ का विषय किछि जानिबा आउ शिखिबा मध्ये पिला मानको शिखाइबा। आज पिला माने तुम माँ को सब सुनै देबो वीडियो टी टिके माँ मान को सुनेब बुझीगला। चलो से माँ को विषय आम किसी जानवा आम जिते बड़े माँ को ठार जन्म नेल तुम माँ तुम्हें कौन सब करती से विषय जानवा। संपूर्ण भूमिष्ठ होगा पर माने जिते बड़े माँ कूल माँ ठार पाटी जन्म नहीं थाए बा भूमि रे पड़ी थाए सेते बेले ता जिभरे आगो कौन दे थांती महुआ पानी। सेई पानी रे ओम अक्षर टिके लिखी दिया जाय थाए जेते बेले से पानी टिके दिया जाए सेतरे ओम अक्षर टिके लिखी दिया जाय थाए किंतु सेई ओम रो अर्थ हेले स्वयं मां। माँ मध्य जानि नथंति जे से संतान को यार प्रकृत अर्थ कौन बुझाई पारिबो सेतु जेते बेले से पानी टिक दियंति सेते बेले से माँ तो जानि नथंति जे से पानी रे ओम अक्षर टिए थाए बोली सेते बेले से पिला मान को कौन बुझाइबो। जदि निज को आत्मा मन करी कर्तव्य करिवार आ प्रकृत शिक्षारु वंचित करिथाए जदि ओम शब्दर प्रकृत अर्थ को पिलाटी बुझी पारंता तेबे से सुना पिलाटी रे परिणत हेबा संगे संगे मधुर व्यवहार भी करंता। जेते बेले मां ए सब शिक्षा दे थांता सेते बेले पिलाटी बुझी थांता बुझिला परे आउ से पिला कोन अबुझा हबो ना दुष्ट हबो कि सु पिला हबनी। जेते बेले से ए विषय रे बुझी जीव सेते बेले सुना पिलाटी परिणत हो जीवो। किंतु आश्चर्यर कथा पिलाटी बड़ हेबा परे मध्य ए विषय रे किछि भी अभिज्ञता न थाए मां निजर संतान को तार सांसारिक विद्या रे निपुण करिया पाई शारीरिक और मानसिक परिश्रम करिबा संगे संगे बिना जिद्धारे प्रचुर अर्थ मध्य व्यय कर दे थाए। पिलाटी मोर केमिति भल पढ़िब केमिति भल शिक्षा पाइब से प्रचुर अर्थ व्यय करथाय निजे पेटर भी उदाकन दे पिलामानको बढ़ाई थाए। संतान स्थूल उन्नति देखि से आत्मतृप्ति लाभ करथाय किंतु चिरदिन पाई पिलाटी किपरि विचारशील बुद्धिमान सुस्वास्थ्य संपद होई आनंद ओ खुशी मनरे पिलाटी जीवन जापन करिव से सब ध्येय आध्यात्मिक विद्या पढ़ाई न थाए। जे माँ संतानर शारीरिक विकास उपरे ध्यान देवा सहित तार आत्मा बा चरित्र विकाश उपरे गुरुत्व दिए नहीं से माँ परिवार समाज तथा तो संसार प्रति निजर उपयुक्त कर्तव्य अवहेला करथाय। कारण सांसारिक ज्ञान केवल बंची रहिबा पई आवश्यक होइ न थाय एहा द्वारा पिलाटीर चारित्रिक ओ आत्मिक विकास होइथाय। तेणु पिलाटी बड़ होइ सुख शांतिमय जीवन अपिवाहित करिबा कला जाणि नथिबारु निजे दुख शांति रे काल काटिबा संगे संगे संसार दुख शांति को बढ़ाई थाए। तेणु हे मातृजाति
तोर मन रखा दरकार तु ही मानवर प्रथम गुरु ओ जगत जननी तेणु एबे जगतर जननी हो कल्याण हबो तेबे जाई ए जगतर कल्याण हे बोली आम जानिया किए कहे नारी अबला दुर्बला ना सी अबला नुहे कि दुर्बला नुहे जदि अबला होता दुर्बला होता हेल्ले सी बड़ बड़ राजा महाराजा को निजर गर्भर स्थापन कर समाज शीर्ष स्थान अधिष्ठित करता जो माता कोटि कोटि लोक को मन करन आनी ध्रुव आ शंकराचार्य जीशुख्रीष्ट नानक महम्मद महात्मा गांधी आदि महानुभूति मान को प्रथम पाठ पढ़ाई से माता श्रीकृष्ण और श्रीराम परी देवता मान को जन्म दे माता को कौन कह अबला ना कह दुर्बला कहले विराट भूल हेब नारी को अबला नारी माने अबला नुहंती कि दुर्बला नुहंती कहिए कहिए समाज नर नारी ठारु बहुत दुर्बल रूप से स्वीकृति देउछि अबला दुर्बला कही से नारी तो लक्ष्मीबाई जे पुणी राज्यर दुर्बल मुहूर्त अश्वपृष्ठ तरवारी धरी युद्ध करी युद्धभूमि सैन्य मान सहित युद्ध करी निजर शक्तिर परिकाष्ठा देखाई थी से ही नारी केबे हेले अबला होई पारे नाही से होची प्रकृतरे शिवशक्ति देवी बामा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रु प्रत्येक आत्मा पुरुष और शरीर होची प्रकृति एही अर्थरे नारी मध्य पुरुषर पदवाच्य एणु हे महर्षी नारी तुम्हें उठ जाग्रत हुओ और समस्त को जाग्रत कराओ तुम्हें निजर युद्ध स्वरूप को जानी समस्त को निजर भावी निजर कर्तव्य प्रियस्त को धारण कर अशक्ति स्वरूपिणी हो मुक्त कंठरी घोषणा कर अबला दुर्बला नुहे आम हेलु सबला अशक्तिशाली जगदम्बा परी मा कल्याणकारी नर नारी को अबला कहिवा तो घोर अनर्थ तोते नरकर द्वार कहिवा केते लज्जा आउ परितापर विषय तोते उपभोग्य सामग्री भली व्यवहार करिवा तो अतीब अन्याय एहा मनुष्यर मानविकता प्रति एक लांछना आउ कलंक हे नारी तु सती अनुसय हुआ तु तपस्विनी हुआ जगग्निर आजुलामुखी हुआ तोते नरकर द्वार बोली कहुथिबा अपकारी मानकु मध्य ज्ञान प्रदान करि से मानकर उपकार कर कहारी अनिष्ट कर नहीं तेबे जाई जगतरे उद्धार हेब तेणु तु वर्तमान कमल पृष्ठ भरी चरित्र होई विश्वरे विश्व कल्याण मयी रूप परिचित हो हे माता तुम्हें विश्व कल्याण परिचित हो नारी तु संकीर्ण ठारु दूर करी शस्त्रगता आड़ अग्रसर हो केवल निज परिवार स्वार्थ पाई कार्य न करी सारा संसार मंगल पाई कार्य कर विकार कबल रु निज को मुक्त करी जगज्जननी हुआ हे मा विश्वर कोटी कोटी आत्मा आत्माकारी मान को क्रंदन ध्वनि कौन तोर कर्णगोचर होना से मान को आकुल प्रार्थना कौन तोर हृदय को विदीर्ण करना कष्ट होना तोर संतान माने रात्रि रात्रि उजागर होई तोते आह्वान करुछंती तोर जयगान करुछंती तथापि तोते निद्रा आसुची किपरि एबे उठ जाग्रत हुआ
प्रथमे निजर ज्ञान आउ ज्योति को प्रज्वलित कर। हे मा जगत माता रूप धारण करी मन विकार को संसार करी भक्त मान को निजर दैवी रूप परिदर्शन कराओ। हे मा, हे माता, एबे तो बरदानी हुआ आउ कल्याणकारी हुआ, कल्याणमयी हुआ, जगत जननी हुआ। तू कौन भावुछु देवी किए बोली? पद्मासिनी, वीणावादिनी, असुर संहारिणी, देवी स्वरूपिणी, नारी तू ही अटुतु। तू नारी, तू ही मा, तू ही भगिनी, ये सब रूप रे थाउ मा। तोर मानस पटल रु कौन विस्तृति घटी जेतु मातृ स्वरूपिणी शक्ति स्वरूपिणी जहार परिश्रम स्वरूप आज जगत रे दुरावस्था। एबे उठ निज स्वरूप को जान आउ ज्ञान बीणा धारण कर सारी जगत को सुख समृद्धि सुख शांति मधुर आउ झंकारी आनंद रे विभर कर दियो। हिमा, ये सब तुम जागी उठ आउ कल्याणकारी हुओ। हिमा, तू तो देवी देवतांकर संकज संसारर संताज हंस कोइलीर संतान बोली हेबा परि मु वास्तवरे देउची देवी संतान। भारतर नारी मानकर नाम सहित देवी शब्द प्रयोग करा जाए काहेकि तू ताको ठारु ऊर्धरे। हे मा जगत जननी मा जगदम्बा, मंचस्थ रक्तागण मध्य महिला मानकु देवी कहि संबोधन करिथांता। सेथिपाई प्राचीन कालरु भारतरे नारी मानकर नामकरण शांति लक्ष्मी शीतला सरस्वती आउ संतोषी सारला प्रेम इत्यादि कौनसी कौनसी दिव्य गुण पंचदेवी नाम अनुसार होइथे। वास्तवरे तोर आदि स्वरूप ही देवी, तो निजर परिचय वंशर मूल भीति को जानी निजर जाग्रत होई ज्ञानर ज्योति द्वारा समस्त आत्मा को आत्मिक ज्योति जाग्रत कर। हे मा, हे जगत जननी मा, हे जगदम्बा मा, वर्तमान यही सृष्टि स्वरूप विराट गृह अज्ञान अंधकार व्यापी जाइछि। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या श्लेष हिंसा आदि असुरी लक्षण द्वारा संसार आदि पीड़ित होई त्राहि त्राहि डाकुछि। हे मा, एवे तु दुर्गति नाशिनी होई असुरियता को नाश कर। हे मा, तोते कौन एही घोर संकट रु तथा कल्याणकारी परिस्थिति सहयोग हुई अछि। उठ एबे तु प्रति प्रतिव्रत धारण करी श्वेत वस्त्र परिधान सरस्वती सम हो। कमल पृष्ठ सम पवित्र आसन उपरे आशीषन हुई परमात्मा सिमक स्तुति रे निग्न कही एहा तपस्विनी हुआ एवं तांको ठारु प्राप्त बरदान को अन्य प्रदान करी माने अन्य को प्रदान करी कल्याणमयी हुआ। आ जगत जननीर आख्या पाउत सर्वश्रेष्ठ स्थान रे मा ही रक्षा पाई थाउ। से सर्वश्रेष्ठ अधिकार कर। हे मा, जेते बेले घर को नववधु टिए आसे लोके कहंती आसिला घर को मोर लक्ष्मी। जेते बेले मान गर्भरो झियोटिए जन्म हुए सेते बेले माटी कहे मो घर को आसी लक्ष्मी। एमती कहू ना अति प्राचीन काल रु भारत लोके नारी को लक्ष्मी भाव मानि आसी सेणु से नारी प्रकृत रे ही लक्ष्मी जे निजर लक्ष्य रे स्थिर रही दिव्य गुण को धारण करे से ही लक्ष्मी।
दिव्य गुण को धारण करे से ही लक्ष्मी। एथिपाई लोके कहती नर तु एपरी कर्म कर जहा द्वारा तु नारायणी हे जीवु एवं नारी तु एपरी कर्म कर जेपरी तु लक्ष्मी पदा प्राप्त करिवु। बहुत समय अतिक्लांत होइगलाणी एबे तु तोर निजर लक्ष्य रे स्थिर होई एपरी श्रेष्ठ कर्म कर जहा द्वारा लक्ष्मी होई जीवु। आउ कमल पृष्ठ सम जीवन होइथिबा कारणरु लक्ष्मींकर अन्य नाम कमला। तेणु निज जीवन को पुणी कमल पृष्ठ सदृश करि दियो हे मा हे जगज्जननी हे कल्याणमयी। एहा फळरे भारतर पुणी थरे स्वर्गरे परिणत होइजीव। ए नरकरु ए संसारु उद्धार होइजीव। पुनश्च भावना फेरि आसिब हे जगज्जननी हे मा। पुनः श्री लक्ष्मी श्री नारायण को राज्य फेरी आसीब। जेबे निज को भविष्य रे लक्ष्मी भाभी अन्य मनुष्य आत्मा को देवी देवता हेबा पई श्रेष्ठ मार्ग दर्शाओ। एहा द्वारा ही पृष्ठ रु कली युग रूपी रात्रि पाही जीव ओ सत्य युग रो सिंदूर फाटिब। एही लक्ष्य पूरण पई एबे तु ज्ञान जोग रे खड़ग धारण करी जोगी हो ओ ज्ञानी हो हे मा। मा माने आमे समस्ते जाग्रत हेबा। पिला मानु को ठीक शिक्षा दे ठीक बाट रे नबा। मा दुर्गा मा काली आदि देवी मानु को द्वारा महिषासुर रक्त बीज त्रिपुरासुर आदि असुर निधन रे गायन करिछि हे असुर माने कौनसी भयावह आकृति विशिष्ट एक विशेष जातिर नथिले। कलियुगरे मनुष्य मानक कार्यकलाप को रक्षा करि ही पुराण रे से मानको असुर रो आख्या दिया जाइछि। अधुना मनीष पांच विकार रे बुड़ी रही कालिमा ग्रस्त होई परिथिबारु महिषासुर रंग कला दर्शा जाइछि ओ तार कार्य को व्यवहार सर्वदा अन्य दुख देथि अन्य को दुख देथिरु ता हस्तरी अस्त्रशस्त्र धराई दिया जाइछि कहीं के नासी है सहार कारण। सेई परि रक्त बीज मानव सिरा प्रसिरारे रहिथिबा आसुरिक गुणर प्रतीक अटे। एही सुंदरी गुण को विलुप्त करिबा अन्य महिषासुर रक्त बीज त्रिपुरासुर आदि असुर मानक संहार करिबा। एही कौशता तथा दुर्गुण रु बिना संकारी ही प्रकृतर काली अथवा दुर्गा अटंती। एही एहा कौनसी नारीर संज्ञाजातक ताहा नुहे। ए एक कर्तव्य वाचक नाम मात्र। जे नारी निजर मनरु समस्त विकार दूर करे ज्ञानवाणी द्वारा जन जनमानसरु अवेकता आउ असुरीय मानकु दूर कराए एवं विश्व को अनेक अभिशापुर मुक्त कराए से ही काली से ही दुर्गा। आजिकाली समाज रे केते दुर्नीति केते कलुषित। किए पिला मानको छाड़ जाउचि त किए आत्महत्या करी मरी जाउछंती। से पिलार अवस्था कौन हब। एणु हे मा एपरी कर नाही एहाकु तुमि सजाग कराओ आ जाग्रत हुओ। दुर्गा आ काली रूपरे परम पिता परमात्मा शिवक सह जोगमुक्त होई आत्मिक शक्ति प्राप्त कराउथिबा नारी मानकु शिवशक्ति कहा जाए। नारी तु दुख निवारिणी असुर संहारिणी शिवशक्ति होई जगतर कल्याण हुओ हे मा।
शिव किए जी समस्त कल्याण करती से ही शिव सुंदर अटंती से ज्ञान सागर शांति सागर आनंद सागर एवं परम मित्र अटंती किए से गुण रे भंडार तथा सदाशिव हे सदाशिव मनुष्य भित्तिक धारण कर जन्म मरण चक्र रे धराधाम आसी था निराकार ज्योति स्वरूप ए सब देवता मान पिता हो रही किए शिव ज्योतिर्विंद स्वराज शिवलिंग स्त्रीलिंग आपुलिंग रु भिन्न एक ज्योतिर्लिंग अटे से ही शिव पार्वती पति अटंती शिव किए पार्वती को पति पवित्र बुद्धि सहित संपद स्थापन करने द्वारा नारी हो जाए शिव शक्ति अबलारु सबला मिलन करिवार लक्ष्य रखी नारी हो जाए लक्ष्मी और से ही ज्ञानेश्वर ठार ज्ञान प्राप्त करी से हो जाए बरदायिनी माँ सरस्वती से केते ना केते स्नेहमयी केते केते कौन होई थाए से माँ आज मनुष्य आत्मा रूपी मनोभाव रूप अग्निर सुस्थ ताप आउ दग्धीभूत होई थाए ए पृष्टि रूपी आकाश रु आज दुख शांति रे काल बादल घुटी जाई बेकार अग्नि को निर्वायित करिवा समस्त को शांति आ शीतलतार अनुभव हो पारे ही नारी हो जेब शीतला देवी मानी सबकि सह्य करे मान सहीगले शीतला देवी आज मनुष्य प्रबल और अणहित कामनारु धन संपद द्वारा पूरण करिवा असंभव किंतु से ही राजयोग द्वारा प्रभु प्राप्ति होगा पर मनुष्य परमात्मा को भली आनंद और शांति प्रतिव्रता प्राप्त कराए तार जुग जुगरे असंतोष दूर होई थाए तार से माटीर बेकार अग्नि को निर्वापित करिबा मन को शीतल करिबा आत्मा को सुंदर विभोर करिबा आउ राजयोग धारा ही संभव होई थाए बुझेला जेहेतु केहि मा ए सब कथा मन रखिबा निहाती आवश्यक हे मा जागी उठ संसार ये दुख कष्ट दूर रहियो मा ही सर्वशक्तिमान मा ही अबला नुहे दुर्बला नुहे मा कल्याणकारी मा आज पिला माने तुम मा मान को ये सब कथा बुझाइब आ सुनाइबा ए विषय टी सुनाइथिबो बुझिगला आज तो समय हो जाइजी आज कार्यक्रम को ये रखा बाय बाय।